जालंधर के एक कॉलेज में बुधवार को कॉलेज के बस ड्राइवर और सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच विवाद के चलते धक्का मुक्की में बस ड्राइवर की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दूसरी ओर सिक्योरिटी इंचार्ज फरार बताया जा रहा है। बाद में सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि किसी ने धक्का नहीं दिया बल्कि वह खुद गिरा था। ड्राइवर हार्ट अटैक का मरीज था। घटना जालंधर शहर स्थित सेंट सोल्जर कॉलेज की है। यहाँ करीब 25 साल से काम कर रहे अलीपुर निवासी लाहौर सिंह कॉलेज की बस चलाते थे। कॉलेज में ही बतौर गार्ड काम करने वाले लाहौर सिंह के लड़के हरजाप सिंह ने बताया कि बुधवार सुबह कॉलेज में किसी बात को लेकर पिता लाहौर सिंह और सिक्योरिटी इंचार्ज के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान सिक्योरिटी इंचार्ज ने उनके पिता को जोर से धक्का दे दिया जिसके चलते वह जमीन पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर एक और थाना मकसूदा की पुलिस मौके पर पहुंची। मकसूदा के एसएचओ जर्नैल सिंह ने बताया कि घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो सारा राज खुल गया। संभावना है कि लाहौर सिंह को हार्ट अटैक आया था जिससे वे जमीन पर गिर गए थे।